नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रेलवे स्टॉक्स में तूफानी तेजी देखने को मिली है आज के सेशन में। इस तेजी के पीछे का सबसे बड़ा रीजन जो है वो भारत सरकार ही है। बीते कुछ समय से रेलवे स्टॉक वन साइडेड भाग रहे हैं और आज तो मतलब पारा ही तोड़ दिया। मैं आपके साथ स्टॉक्स के नाम शेयर करता हूं। RVNL 4% ऊपर, सॉरी RVNL 1.5% ऊपर, राइट्स 4% ऊपर, इरकॉन 2% ऊपर, टैक्स मैको रेल 13% से ज्यादा की तेजी, रेलटेल 11% ऊपर, IRCTC जो कभी नहीं चल रहा था 3% ऊपर, वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज 5% ऊपर। अब इस तेजी के पीछे क्या कारण है और आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। हम जब कोई शेयर खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, ट्रेडिंग की नहीं कर रहा हूं, तो कृपया करके ट्रेडर्स ये अपने व्यू से कमेंट ना करें, इन्वेस्टर्स के व्यू से कमेंट करें। जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हम क्या देखते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी अभी कितना प्रॉफिट कर रही है, लास्ट ईयर कितना किया था, उससे लास्ट ईयर कितना किया था, फिर उसके दम पर हम आगे की प्रिडिक्शन करने लगते हैं। कंपनी जिस हिसाब से ग्रो करती है उस हिसाब से हम आगे ग्रोथ की प्रिडिक्शन करते हैं। साथ ही साथ अगर कंपनी कुछ ऐसे काम में जिनमें ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं तो फिर देखते हैं ऑर्डर कितने हैं कंपनी के पास, आगे सस्टेनेबल ग्रोथ है ना, कंपनी को आगे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे ना, ये दो चार चीजें देखते हैं। अब यहां आगे ऑर्डर तो भर भर के हैं, काम की कमी नहीं है क्योंकि सरकार खुद कुछ कह रही है। शॉर्ट सिंपल भाषा में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्या कह रही है और कितना फोकस आगे इन कंपनियों पर आपको रखना चाहिए। सरकार का रेलवे पर बड़ा फोकस है, सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण पर फोकस। मैं आपको बताऊं, जो प्लेटफॉर्म है अभी रेलवे प्लेटफॉर्म्स, गवर्नमेंट कह रही है ये मेरे को पसंद नहीं आ रहे, हम इन प्लेटफॉर्म्स को मॉडर्नाइजेशन करेंगे, VIP मतलब एक तरीके से VIP बनाएंगे, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स होते हैं ना आपके, उस तरीके से बनाएंगे। तो अब आप सोचो को किस हिसाब से आगे डेवलपमेंट होगा, किस हिसाब से आगे इंफ्रा को बूस्ट मिलने वाला है। यहां मैं IRCTC को उतना कुछ महत्व तो नहीं मिलने वाला क्योंकि वो तो एक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, लेकिन इंफ्रा से रिलेटेड कंपनी जो से डेवलप करेंगी जगह को, उन्हें अगर ये बात सच हुई तो बहुत बड़े ऑर्डर पड़े आगे, ठीक है। एयरपोर्ट की तर्ज पर रेलवे स्टेशन डेवलप किए जाएंगे, एयरपोर्ट की तर्ज पर, ये बड़े कमेंट है। 508 रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की तैयारी, आधुनिकीकरण की तैयारी यानी कि मॉडर्नाइजेशन की तैयारी। 508 रेलवे स्टेशन, कवच और LTE जैसे करीब 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट पड़ा है, बड़ा ऑर्डर पड़ा है, धीरे धीरे मिलेगा कंपनियों को, जिस दिन जिसको मिलेगा उस दिन उसको शेयर भागेगा। ये कंपनी की, ये रेलवे सरकार की बयान है, 2030 तक करीब 800 नए वंदे भारत ट्रेन के लिए ऑर्डर संभव। और वंदे भारत ट्रेन के बारे में जिससे पूछो बस वो यही कहता है, भाई मतलब ये लग्जरी एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस है, पैसा तो जा रहा है टिकट में लेकिन चीज है जेन्युइन। हालांकि मैंने अभी तक सफर नहीं किया, जब मैं खुद करूंगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, बट हर बंदा यही कह रहा है बहुत ही शानदार। 800 रेलवे वंदे भारत ट्रेन के और प्रोजेक्ट आ सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन के लिए 2,00,000 करोड़ का खर्च की योजना है सरकार की, कितने 2,00,000 करोड़ की, बहुत बड़े प्लान है गवर्नमेंट के। 2030 तक करीब 800 नई रेलवे, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, 2,00,000 करोड़ मतलब 800 नई वंदे भारत ट्रेन बनेंगी, उनका 2,00,000 करोड़ का खर्चा होगा। और ये किसको जाएगा ऑर्डर, राइट्स, टीटागढ़ वैगन, इन सबको ही तो जाएगा, और कहां जाने वाला है। तो रेलवे समूह के स्टॉक्स तो तूफानी तेजी में। अब सवाल ये उठता है कि क्या खरीदना चाहिए। देखिए रेलवे खर्चा करेगा तो पैसा भी लेगा ही, फिर IRFC को हम कैसे छोड़ सकते हैं, फाइनेंस कंपनी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो हर एक रेलवे कंपनी शानदार है बट इस समय मेरे लिए वैल्यूएशंस भी मैटर करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, सब लोग EV को लेकर काफी जज्बाती हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, आगे ग्रोथ है, लेकिन वैल्यूएशन JBM ऑटो, ऑलेक्ट्रा, ग्रीन टेक 150 के PE पे है, क्या ये रीजनेबल चीज है? नहीं है। सब लोग रेलवे को लेकर बुलिश है, IRFC लगभग 1.5 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। RVNL 4 टाइम्स से भी ज्यादा ट्रेड कर रहा है, क्या ये ठीक है? टीटागढ़ वैगन
सॉरी अब तो इसका नाम बदल गया, टीटा का रेल सिस्टम हो गया है, 100-200 रुपए वाला 800 रुपए हो चुका है। अब इसके वैल्यूएशन देखो, क्या ये वैल्यूएशन वाइज ठीक है? बाजार की तेजी में अच्छी खबरें, स्टॉक का प्राइस भी बहुत महंगा हो जाता है। बाजार की मंदी स्टॉक के लिए खराब खबरें, स्टॉक का प्राइस भी सस्ता होता है। अगर आप सोच रहे हो बाजार में तेजी है तो तेजी ही रहेगी, तो मंदी कभी ना कभी तो आएगी। आप सोच रहे हो खबरें अच्छी आ रही हैं, अच्छी ही रहेंगी, यही चलता रहेगा, देखिए चले ये ना चले, लेकिन खराब खबरों का सिलसिला भी आएगा। क्या 2021 में किसी ने सोचा था कि आईटी के लिए अगले 2 साल खराब होंगे? नहीं, लेकिन है। ये सिंपल सा व्यू है मार्केट में, इसको कहते हैं सेक्टर रोटेशन। इन स्टॉक्स को रडार पे रखो, लेकिन गिरावट के वेट करो, गिरावट में मौका ढूंढना खरीदने का। अभी इस स्तरों पे थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े पैसे गिराए मैं नहीं दूंगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको क्लियरली समझ पसंद आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।